नमस्कार दोस्तों, मैं सरवण कायरो कपिंग केयर से। आज हम इन पेशेंट को साइटिका पेन है, इन साइटिका पेन में इनको हिजामा करेंगे। हिजामा कौन कौन सी जगह पे होती है, हिजामा साइटिका में कौन सी किस तरीके से होती है, आज हम इनको हिजामा करेंगे। पूरा वीडियो को देखते रहिए, शेयर करें, लाइक करें। इन पेशेंट को अभी हिजामा थेरेपी स्टार्ट कर दी है हमने, देखते रहिए। इनको स्टार्टिंग में 4 कप लगाए हैं हमने, एक सेंटर पॉइंट में, फिर एक नीचे है, फिर एक बीच में, एक सबसे नीचे है। ये चारों कपिंग में हमें जमा करेंगे इनको। ये 11 नंबर ब्लेड ले ली हमने और इससे 8 से 10 धीरे धीरे छोटे छोटे कट करना है। फिर उसके बाद में शुगर नीडल लेनी है, ये छोटी वाली शुगर नीडल ले ली हमने इस तरीके से, ऐसे ये वापस कपिंग लगा दिए। ये इस तरीके से कितनी अच्छे से वेल्डिंग हो रही है, पूरा वीडियो को देखते रहिए। जो भी आपके कोई यार जो भी कोई आपके सामने साइटिका का पेशेंट है तो उनको हिजामा करवाने का बोल सकते हो। हिजामा साइटिका का पेशेंट के लिए बहुत अच्छी पद्धति है और इससे बहुत अच्छा आराम मिलता है। हमने हमारे सेंटर पे कई हज़ारों पेशेंटों को हिजामा किए और उनको अभी साइटिका का पेन में बहुत अच्छे से राहत है। इस तरीके से ये वीडियो को हमें इतना एडिट करना आता नहीं है, जो ऑरेंज जल है वही हम दिखाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ब्लीडिंग हो रही है। और बार बार कपिंग को चेक करते रहिए, ऐसा नहीं कि लूज हो जावे। ये देखिए कितने अच्छे से जमा हो रही है। पूरा वीडियो को देखते रहिए। ये देखिए कितने अच्छे से, कितने सब साफ दिखाई दे रही है, कितनी अच्छे से हिजामा हो रही है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। चारों जगह पे कितनी अच्छे से ब्लीडिंग हो रही है। साइटिका पेन हो, सिलिपडिक्स हो, L4 L5 हो, इसमें हिजामा थेरेपी रामबाण इलाज है। और इसमें हिजामा करते समय शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट का ध्यान रख के हिजामा करवावे और हिजामा थेरेपिस्ट से ही करवावे ताकि उनको अच्छा नॉलेज हो उनसे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।